इसी को उपस्थित कर दूंगी ताकि पता तो चले कि ये है कौन। क्या सोच रही हो सुंदरी? क्या तुम मुझ जैसे वीर महाबली योद्धा को अपना परिचय नहीं दोगी? नाम तो मेरा महामाया है और कार्य तुम जैसे सुंदर सजीले युवा महाबली को राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने लाना ताकि वो तुम्हें अतिथि युवराज बना सके। तो तुम प्रतीक्षा किसकी कर रही हो महामाया? चलो मैं तो रूपनगर राजकुमारी चंद्रमुखी से ही मिलने आया हूँ। अब देर मत करो, शीघ्र अति शीघ्र मुझे रूपनगर ले चलो। राजकुमारी चंद्रमुखी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। चलिए मैं आपको रूपनगर के स्वर्ग में ले चलती हूँ। आइए। अभी तक माँ माया आई क्यों? मैंने उसे विजेंद्र प्रताप सिंह को खोजने भेजा था पवन सिंह जी, किंतु पता नहीं कि वो कहाँ भटक रही है। वो ठीक? प्रणाम सेना प्रभु जी। मैं एक नहीं दो दो सूचनाएं लाई हूँ। दो दो सूचना लाई हो? बताओ क्या सूचना लाई हो? हमें राजकुमारी चंद्रमुखी जी को उत्तर देना है। सूचना ये है कि आपने मुझे जिस युवराज कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह को ढूंढने के लिए भेजा था वो तो मुझे कहीं मिला नहीं, किंतु उसके स्थान पर मुझे दो अन्य रूपनगर पहुंचने वाले पथिक अवश्य मिल गए। क्या हमारे राज्य में कोई दो युवराज और आ गए? कहां से आए और उनका नाम क्या है? उनमें से एक का नाम कुंवर भानु प्रताप सिंह है जो स्वयं को अलकापुरी राज्य का होने वाला सम्राट बताता है। और दूसरे युवराज का क्या परिचय है? दूसरा मुझे युवराज नहीं लगा, किंतु वो स्वयं को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझता। उसने अपना नाम क्या बताया? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह सूरत से तो किसी भिखारी से भी गया बीता दिखता है, किंतु पता नहीं उसे स्वयं के अति सुंदर होने का भ्रम कैसे हो गया। उसके आने का कारण क्या है? क्या वो भी राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने का स्वप्न लेकर आया है? हाँ, वो भी राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करना चाहता है। किंतु आप उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस मनुष्य से राजकुमारी जी तो क्या उनकी दासी भी विवाह नहीं करेगी। पता नहीं जो भी आता है राजकुमारी जी से विवाह करने के उद्देश्य आता है। खैर इस विषय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बताओ कि वो दोनों है कहाँ? क्या तुमने उन दोनों को रूपनगर महल में आने का निमंत्रण दिया? पहले मैंने युवराज भानु प्रताप सिंह को कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह समझकर महल में आने का न्योता दिया था, परंतु वो मेरे साथ आने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। रूपनगर महल में पहुँचने के पश्चात भी महल में क्यों नहीं आना चाहता? मैंने उस घमंडी युवराज कुंवर भानु प्रताप सिंह को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसने मेरी एक ना सुनी और स्वयं मार्ग ढूंढने की बात कहकर रूपनगर की विपरीत दिशा में वापस लौट गया। और वो जोरावर सिंह का गया जिसे तुम भिखारी सूरत वाला मनुष्य कह रही थी, उस युवराज की भांति कहीं वो अकेला तो नहीं चला गया? वो भिखारी जैसा तो लगता ही है, किंतु वो मुझे चोर भी प्रतीत होता है। मैंने उसे आपसे मिलवाने से पहले उस स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया है जहाँ पशु बांधे जाते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उसे कारागार में भी डाला जा सकता है। जो मनुष्य सूरत से ही चोर लगता है उस पर विश्वास करना हमारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए हमें उसे कारागार में डलवा देना चाहिए ताकि सत्य का पता लग सके। आप ठीक कह रहे हो, पहले मैंने भी यही सोचा था, किंतु आपकी आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम उसकी चिंता मत कर, हम उसे कारागार में डालने का आदेश अभी दे देंगे। अब उस युवराज को ढूंढने के लिए किसी और अधिकारी को भेजना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अब देरी पे देरी होती जा रही है। इसलिए अगर ये कार्य आप स्वयं अपने हाथ में ले लें
तो हमें शीघ्र से शीघ्र सफलता मिल सकती है। यदि आपका यही सोचना है तो हम अभी और इसी वक्त रूपनगर के जंगलों में जाकर उन्हें खोजते हैं और उस युवराज का पता लगाते हैं जो मैला डाकू के साथ रूपनगर के जंगल में लुप्त हो गए। जैसे जैसे हम हमारी चंद्रमुखी के समीप पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हमारी थकान दूर हो रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही चंद्रमुखी हमें देखेगी हम दोनों के बीच में एक अटूट प्रेम का बंधन हो जाएगा और ये सारा संसार लैला मजनू और श्री फरहाद की जोड़ियों को भूल के केवल भानु प्रताप और चंद्रमुखी की जोड़ी को याद रखेगा। भानु प्रताप चंद्रमुखी, भानु प्रताप चंद्रमुखी, भानु प्रताप चंद्रमुखी। बहुत लंबा नाम है। हम अपनी सारी प्रजा से कह देंगे कि हमें प्यार से भानु चंदू का, भानु चंदू, भानु चंदू। और जो भी हमारे इस आदेश को नहीं मानेगा हम उसे पकड़कर जंगल में डाल देंगे। ना ही उसका कभी विवाह हो पाएगा और ना ही प्यार, कुंवारा ही मर जाएगा वो। भानु चंदू, भानु चंदू, भानु चंदू, भानु चंदू। ये प्रतीक कौन है जो रूपनगर की सीमा में खड़ा है? भानु चंदू, भानु चंदू, भानु चंदू, भानु चंदू। जलो से जहां खड़े हो वहीं पर रुक जा पतिक, अन्यथा रूपनगर की सैनिक तुम पर आक्रमण कर देंगे। इस संसार में किसी योद्धा ने चरण नहीं लिया जो कुंवर भानु प्रताप सिंह को नजरे उठाकर देख सके। बोलो कौन हो तुम? राजकुमार चंद्रमुखी के सेना प्रमुख महेंद्र सिंह है प्रतीक। तुम इस समय रूपनगर के भीतर प्रवेश कर गए हो, इसीलिए तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और किस कार्य से आए हो। हमल का पुरी के युवराज भानु प्रताप सिंह है सेना प्रमुख जी। क्या हमारे आने का समाचार अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था? नहीं, हमें इस नाम के किसी युवराज के आने की सूचना नहीं मिली। हमें तो केवल उस युवराज की प्रतीक्षा थी जिसके लिए उसके भाई सूर्य प्रताप सिंह महल में उसकी चिंता कर रहे। क्या क्या हमसे पहले भी कोई युवराज महल में पहुंच चुका है? एक नहीं, महल में दो दो युवराज पहुंचे हैं। आइए हम आपको भी ले चलते हैं, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी के आदेश अनुसार रूपनगर में आने वाले प्रत्येक युवराज को महल ले जाकर स्वागत करना आवश्यक है। बस अब और किसी युवराज का स्वागत नहीं होगा क्योंकि हम आ गए हैं। हम किसी छोटे मोटे राज के युवराज से नहीं मिलना चाहते क्योंकि हम उस राज के युवराज हैं जिसे सरदार सोने की चिड़िया के नाम से जानता है। हम जानते हैं युवराज आप बहुत बड़े राज्य से पधारे हैं, किंतु आपको पहचानने में कुछ विलंब हो गया, किंतु आपके समस्त कष्ट समाप्त होने वाले हैं क्योंकि हम अति शीघ्र आपको रूपनगर चंद्रमुखी के महल में